हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने आए हैं एक न्यूज ऑफ रिक्रूटमेंट के साथ कि दिल्ली सरकार ने निकाली है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि है आपके दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक भर्ती 2018 के लिए। यहाँ पर जो आपके पद निकाले गए हैं वो है आपके MTS असिस्टेंट एंड फार्मासिस्ट के लिए। तो जानते हैं क्या है ऑफिसर नोटिफिकेशन में और क्या है इसकी फुल डिटेल, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, DGHS विभाग की जो दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक है उसके लिए जो पब्लिश नोटिस जारी किया गया है आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक्स के लिए, तो यहाँ पर जो नेम ऑफ द पोस्ट है वो आपकी, जैसा मैंने आपको बताया, तीन पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। तो इनमें जो आपका सिलेक्शन है वो रिटर्न एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू बेस पे आपका होगा। यहाँ पर बात करते हैं इसकी फर्दर डिटेल्स की, तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास फार्मेसी में, या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी आपके पास होनी चाहिए, या DPC में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट के लिए जो है आपका ANM जो है कंप्लीट होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए DNC में। एंड MTS की पोस्ट के लिए 10वीं पास होना आपका अनिवार्य है, और आपके पास फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिज के साथ से। फिर यहाँ पर जो पोस्ट है वो 200-200 आपकी पोस्ट यहाँ पर रखी गई है, मीन्स ओवरऑल जो पोस्ट है वो 600 है। ये पोस्ट जो है ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब बढ़ भी सकती है और थोड़ा बहुत कम भी यहाँ पर हो सकता है। अब रेमुनेशन मीन्स भत्ते की यहाँ अगर मैं बात करूँ तो फार्मासिस्ट मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट एंड मल्टीटास्क वर्कर के लिए यहाँ पर आपको फीस दे रखी है कि हर एक पेशेंट रजिस्टर पेशेंट के लिए आपको कितने रुपए मिलेंगे, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके हिसाब से आपकी जो है सैलरी यहाँ पर डिसाइडेड हो जाएगी। अगर उम्र की मैं बात करूं तो फार्मासिस्ट के लिए 20 से 50 साल, मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट के लिए 20 से 50 साल, और MTS के लिए 18 से 35 साल होगी, जो कि फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि पर होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की पहले हम बात कर चुके हैं, रिटर्न एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू बेस पर है। लास्ट डेट इसकी 14/10/2018 है। कोई भी TA या DA आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको ये लिंक मिल जाएगा, साथ में ये लिंक हमको आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप इसको अप्लाई नाउ भी कर सकते हैं यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, साथ में इस नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं उस फॉर्म को, तो इसकी सारी डिटेल आपको यहां दे रखी है, तो इस चीज को आप यहां पढ़ सकते हैं। और इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में आपको मिलता है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, तो आप इस साइट पर जाकर जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में डायरेक्ट लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में तो अवेलेबल है ही। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बात की दिल्ली गवर्नमेंट के जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी से। आशा करता हूं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखते रहिए A24 नॉलेज, एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।